सब्सक्राइब कीजिए पोद्दार यूट्यूबर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्त, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं पोद्दार यूट्यूबर चैनल। तो आज हम बात करेंगे आइसोफॉल्विन सिरप के बारे में और हम बताएंगे आइसोफॉल्विन सिरप का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और इसके क्या यूजेज और क्या साइड इफेक्ट है, कम्प्लीट रिव्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आइसोफॉल्विन सिरप है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसके अंदर का जो लिक्विड, इसके जो कवर है वो प्लास्टिक है और इसके अंदर का जो लिक्विड है वो बिल्कुल ऑरेंज, वो जो होते हैं ऑरेंज जूस की तरह दिख रहा है, एकदम बिल्कुल गाढ़ा डार्क दिख रहा है। तो आप जब कभी भी आइसोफॉल्विन सिरप का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। अब हम बताएंगे किस परिस्थिति में आप आइसोफॉल्विन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बॉडी में कमजोरी आ जाए या आप चलने फिरने में असमर्थ हो जाए, आपके बॉडी में खून की कमी हो या आपको भूख न लगे, आपका भोजन सही से डाइजेस्ट न हो पाए या आपके बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो, उस परिस्थिति में आप आइसोफॉल्विन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब कभी भी आइसोफॉल्विन सिरप का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उनको भी आप आइसोफॉल्विन सिरप यूज करने का सलाह दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी मिला हुआ है जो महिलाओं के लिए काफी लाभदायक होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए काफी लाभदायक होता है। तो आप उस परिस्थिति में भी आइसोफॉल्विन सिरप का यूज करवा सकते हैं। तो आप जब कभी भी आइसोफॉल्विन सिरप का इस्तेमाल करवाएं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करवाएं। अब हम बताएंगे किस उम्र से लेके किस उम्र तक आप आइसोफॉल्विन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका उम्र 6 वर्ष से लेके और 12 वर्ष के बीच में हो तो आप 1 चम्मच आइसोफॉल्विन सिरप सुबह शाम यूज कर सकते हैं 2 टाइम। अगर आपका उम्र 12 वर्ष से लेकर और 60 वर्ष के बीच में हो तो आप 2 चम्मच 2 टाइम आइसोफॉल्विन सिरप यूज कर सकते हैं। तो आप जब कभी भी आइसोफॉल्विन सिरप का यूज करें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। अब हम बताएंगे आइसोफॉल्विन सिरप के साइड इफेक्ट में। अगर आइसोफॉल्विन सिरप यूज करने के 10 या 15 मिनट के बाद आपके बॉडी पे जलन हो या आपके फेस पे फोड़े फुंसी निकल जाए, आपके फेस पे स्क्रैचेस हो या आपके बॉडी पे जगह जगह रेडनेस आ जाए तो ये इसके साइड इफेक्ट हो। अगर ऐसा हो रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें और आप जब कभी भी आइसोफॉल्विन सिरप का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।